किया कि मित्रों, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारे मैंने अनुरोध किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और ट्राइबल डिपार्टमेंट से जल्दी जम्मू में भी ये कार्यक्रम किया जाए और ताकि यहाँ के लोगों को भी लाभ दिया जा सके। और मुझे खुशी है कि संजीव वर्मा साहब, गेरा साहब, शाहिद इकबाल चौधरी साहब ने मिलकर के महज 5 दिनों के अंदर उस काम को जम्मू में भी अंजाम दिया है और जिसका प्रमाण हम सब ने यहाँ देखा है। यहाँ कुछ लोगों को इंडिविजुअल राइट दिए गए हैं, के सर्टिफिकेट दिए गए हैं, कुछ और भी साथी आए हैं। जो साथी यहाँ आए कार्यक्रम के बाद उन सभी को सर्टिफिकेट यहीं उपलब्ध करा दिया जाएगा। मैं जनप्रतिनिधियों का, डिप्टी कमिश्नर्स का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अपने अधिकारियों का और भी जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद की है उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। गेरा साहब ने बहुत विस्तार से बताया कैसे ट्रेनिंग हुई, किस तरह से काम आगे बढ़ा है। कठिन काम है लेकिन इस कठिन काम को भी समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ये कोशिश होगी। जो समुदाय वन्य संसाधनों पर निर्भर है, जिसका गुजारा जंगलों के बिना नहीं हो सकता है, और मैं समझता हूँ कि जिनका अस्तित्व भी जंगलों के बिना अधूरा है, हम सबकी इच्छा है, हम सबका प्रयास है कि हर हाल में उनका विकास हो और उनके जीवन में समृद्धि आवे। आज जो सर्टिफिकेट मिले हैं वो सिर्फ कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है। मैं मानता हूँ ये आपका मौलिक अधिकार है और इस अधिकार से आप जानबूझ करके वंचित रह गए। प्रशासन से अनुरोध किया था कि हमारे विकास के लिए कोई कमेटी गठित मत करिए, बल्कि यह सुनिश्चित करिए कि जंगलों से जो कुछ हम लेते हैं वो हमें अधिकार के रूप में मिले और हमारे परिवार की शिक्षा और चिकित्सा की उचित व्यवस्था करिए। और ये मैं मानता हूं कि ऐसी मांग नहीं है जिसे हम असंभव करें, ये कम रिसोर्सेस में इसे पूरा किया जा सकता है, लेकिन उपेक्षा की गई, जानबूझ करके की गई या अनजाने में की गई, मैं नहीं जानता। किसी ने कहा कि साहब ट्राइबल कम्युनिटी चाहे देश के किसी भी कोने में हो, एक सुझाव आया था इसे भारत सरकार को सौंप देना चाहिए ताकि उनके अधिकारों को भारत सरकार स्वयं देखे और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहयोग करे। ये बात चलते चलते संविधान सभा में भी इस पर बड़ी बहस हुई और संविधान सभा के उस समय सदस्य थे ब्रजेश्वर प्रसाद जी, उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी के हित में जो बात कही 1949 में, इस समुदाय के सभी सदस्यों के सांस्कृतिक समुन्नति, आर्थिक विकास तथा नौकरियों में प्राथमिकता के लिए देश की सरकार को हर संभव उपाय करना चाहिए, ये 1949 में संविधान सभा में बात कही गई। लेकिन दशकों बीत गए, ट्राइबल कम्युनिटी को उनके अधिकार नहीं मिले। और मैं अगर कहूं कि कुछ हिज्र के मौसम ने सताया नहीं इतना, कुछ हमने तेरा सोग मनाया नहीं इतना, कुछ रोज से दिल ने तेरी राहें नहीं देखी, क्या बात है तू याद भी आया नहीं इतना। ये युवा इन लोगों के साथ जम्मू कश्मीर ड्यूटी में जिन्हें याद किया गया वो कुछ खास मौके थे, जब उन्हें आपकी जरूरत थी, आपके संख्या बल की आवश्यकता थी, आपके अधिकार आपको मिले, मुझे लगता है इसकी चिंता नहीं की गई। मैं जरूर जिक्र करूंगा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जब वो देश में प्रधानमंत्री बने 1999 में, जब उनकी सरकार बनी तो पहली बार भारत सरकार ने ट्राइबल कम्युनिटी को अधिकार संपन्न बनाने के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया और सदियों से उपेक्षित लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, जो अन्याय हो रहा था, उसे खत्म करने की एक ईमानदार कोशिश 1999 में शुरू हुई। उसी प्रकार मैं मानता हूं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
आपके लिए जम्मू कश्मीर में नए युग की शुरुआत, जिस युग में फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 लागू किया जा सके, इसके लिए 2019 में बड़ा फैसला किया और उसी का परिणाम है कि आज ये लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि आपके हितों की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासन वचनबद्ध है। जितनी भी मुश्किलें आएं, आपके विकास के रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी, उसे निश्चित रूप से हटाने का हम सब ईमानदारी से प्रयास करें। और उन्नति के लिए मैं मानता हूं शिक्षा सबसे प्रभावी माध्यम है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए इस साल 30 करोड़ रुपए अलग से दिए गए, और गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 42,000 अतिरिक्त ट्राइबल बच्चों को स्कॉलरशिप मुहैया कराई गई है। माइग्रेटरी बच्चे बच्चियों के लिए 1521 सीजनल स्कूल माइग्रेटरी रूट पर इस साल हम 2 रेजिडेंशियल स्कूल शुरू कर रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में और भी स्कूल बनाएंगे। 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए 8,000 टैबलेट हम इसी साल देंगे, और आने वाले दिनों में जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको टैबलेट उपलब्ध कराएंगे। और जिन क्षेत्रों में, वहां मुझे मालूम है कि टावर्स की कमी है, तो प्रयास पूर्वक टेलीकॉम कंपनियों से कह करके उन क्षेत्रों में टावर लगाने का काम भी करेंगे, ताकि ये टैबलेट का लाभ उनके शिक्षा में बच्चों को मिल सके। एक पुरानी मांग थी, जो हमारे सीजनल टीचर्स 4,000 रुपए वेतन पाते थे, उन्हें बढ़ा करके प्रशासन ने 10,000 रुपया महीना कर दिया है। 6 महीना उनको वेतन मिलता है, और एक कुचक्र उनके साथ और रचा जाता था। उनकी कोई सूची नहीं होती थी, मास्टर लिस्ट नहीं होती थी, तो जब एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरों को मन आता था, जिसको चाहते थे रखते थे, जिसको चाहते थे उनको बाहर कर देते, तो अब मुकम्मल सूची बन गई। अब किसी की मर्जी पर वो नहीं रहेंगे, वो स्थायी रूप से 10,000 रुपए महीना 6 महीना पाएंगे। अगले साल जरूरत ज्यादा शिक्षकों की होगी, तो उसकी भर्ती नए सिरे से की जाएगी। प्रशासन ट्राइबल कम्युनिटी इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्लान में अनेक कार्यक्रम ले रहा है, ताकि समुचित विकास हो सके। प्रथम चरण में साहिद चौधरी और उनकी टीम जम्मू संभाग के सभी जिलों से बातचीत करके 50 से 60 ऐसे ट्राइबल विलेज का चयन करेगी, जिन्हें मॉडल ट्राइबल विलेज के रूप में विकसित किया जा सके, और अगले 2 वर्षों में संख्या और बढ़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में भारत सरकार की जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, ऐसी हर पंचायत को 22.62 लाख रुपीज की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी, ताकि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक अच्छी रकम भी मिल सके, और जरूरत पड़ी तो जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से और धन भी उपलब्ध कराया जाएगा। बड़ा फैसला किया, ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के जोड़ने की शुरुआत भी हम कर रहे हैं, और फर्स्ट फेज में, पहले चरण में 500 युवाओं को हम चिन्हित करेंगे, उन्हें एडवांस ट्रेनिंग देने का इंतजाम करेंगे, ताकि पायलट बन सके, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हो, हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग हो, ऐसी अनेक विधाओं को चिन्हित किया है, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। ट्राइबल टूरिस्ट विलेज बनाने का भी हमने फैसला किया है, और पहले चरण में 15 गांव चिन्हित करेंगे, और 3 करोड़ रुपए की धनराशि इस काम के लिए खर्च की जाएगी। इसके अलावा अगर ट्राइबल समुदाय से कोई युवा, कोई यूथ अपना टूरिज्म का बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो हम उसे 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान करेंगे, उसे ट्रेनिंग भी देंगे। इसके अलावा जम्मू, श्रीनगर तथा रजौरी में ट्राइबल भवन बनाने का भी हमने फैसला किया है, जहां ट्राइबल कम्युनिटी के लोग कोई कार्यक्रम करना चाहें तो वो भवन उनके लिए उपलब्ध होगा। जम्मू तथा रजौरी में जमीन मिल गई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा रही है, इस काम को भी शीघ्र पूरा करने की कोशिश हम करेंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं लागू होने की वजह से माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की समस्या भी जम्मू कश्मीर के ट्राइबल कम्युनिटी के सामने थी। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री वन धन योजना शुरू की थी ताकि जंगली उत्पादों की मार्केटिंग करके ट्राइबल कम्युनिटी अपने आय में इनकम में इजाफा कर सके। वह कार्यक्रम भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाया था, लेकिन अब फॉरेस्ट वाइज एक्ट लागू होने के बाद ये अधिकार भी ट्राइबल कम्युनिटी को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रदान कर दिया है। और एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार की जो ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया उसके साथ हमने एक समझौता किया है जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को चुनने का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेजिंग और मार्केटिंग जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके तहत प्रशासन प्रथम चरण में 15 ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्लस्टर भी बनाएगा और हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को 15 लाख रुपए की धनराशि सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। क्रिकेट ने आज आपको वो अधिकार दिया है जो आपकी तथा आपके परिवार के जिंदगी के विकास को मुख्य धारा से जोड़ेगा। और मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर यूटी में समान विकास और सामाजिक भेदभाव से मुक्त समाज बनाने की दिशा में आज का ये कार्यक्रम बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। मुझे बताया गया है कि जम्मू डिवीजन के सभी 10 जिलों में 10,389 क्लेम्स अभी तक प्राप्त हुए और 8,000 से ज्यादा क्लेम्स को ग्राम सभा और फॉरेस्ट राइट्स कमेटी के स्तर पर स्क्रूटनाइज किया जा चुका है और अब सब डिविजनल लेवल की कमेटी उनकी जांच कर रही है। 632 क्लेम्स को अनुमति प्रदान कर दी गई है। रजौरी जिले ने इसमें सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है, वहाँ ट्राइबल जनसंख्या भी ज्यादा है, वहाँ 6,115 इंडिविजुअल तथा 2,344 कम्युनिटी क्लेम्स के एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। मैं रजौरी प्रशासन को बधाई देता हूँ इसके लिए। अन्य इलाकों जैसे जम्मू सांबा कठुआ उधमपुर में अभी क्लेम्स कम आए, लेकिन माइग्रेशन वाली जनसंख्या के वापस आने से वहां भी नंबर ऑफ क्लेम्स आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। पहले चरण में जो भी क्लेम्स अप्रूव हुए हैं उसमें अकेले 526 रजौरी से ही है। मैं इसके लिए डीसी तथा वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, बाकी जनपद में जो हमारे डीसी साहबान हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं या पूरा जो प्रशासनिक अमला हमारा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, ये ऐसे लोग हैं मंच पर आपने देखा है, इन्हें हम इंतजार करें कि वो आए और खुद आवेदन करें। मुझे लगता है कि थोड़ा हमें उनके पास पहुंचने की जरूरत है और कोशिश करनी है। जैसा हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कोई वाजिब पात्र व्यक्ति छूट न जाए, और इसका भी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ की परंपरा बड़ी पुरानी है, गलत लोग इसका लाभ न उठाने पाए। क्योंकि और मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर गलत लोग लाभ उठाएंगे तो अगर जज साहब यहाँ टर्मिनेट हो सकते हैं तो वो भी बचने वाले नहीं है। ये बात मैं दोहरा के कहना चाहता हूँ, इसमें किसी के साथ कोई मरवत नहीं की जाएगी। संजीव वर्मा जी ने, साई चौधरी जी ने, डॉक्टर गेरा ने पूरा विवरण आपको दिया है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन कटिबद्ध है, आपके विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पिछले कुछ दिनों में अनेक निर्णय हुए हैं जिन क्षेत्रों में कम्युनिटी राइट्स दिए जा रहे हैं उन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से विकसित हो इसका मुकम्मल इंतजाम किया जाएगा। प्रशासन ने एक और निर्णय लिया है, रजौरी पुंछ उधमपुर और रामबन में ट्रांजिट एकोमोडेशन बनाने जा रहे हैं और जल्द ही इसका निर्माण काम भी हम शुरू करेंगे। हर एक ट्रांजिट एकोमोडेशन में 150 से 200 लोग एक साथ रह पाएंगे। जानवरों के लिए उसमें अलग से सुविधा प्रदान की जाएगी और अतिरिक्त अच्छी क्वालिटी के टेंट भी हम वहां लगाएंगे ताकि अगर संख्या बढ़ती है तो वो भी सुविधापूर्वक रह सके।